क्या आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं? क्या आप स्कैल्पिंग में मात्र एक इंडिकेटर लगा के परफेक्ट बाय और सेल सिग्नल पाना चाहते हैं? क्या आप दिन के 80% रेट सक्सेसफुल करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मैजिकल ट्रेडिंग। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आया है एक स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी। स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी बताने के पहले हम आपको बता देते हैं कि स्कैल्पिंग एक्चुअल में होता क्या है। अगर हिंदी में मतलब निकालें स्कैल्पिंग का, तो इसका मतलब होता है काला बाजारी। काला बाजारी का मतलब छुपके से कोई चीज़ों को चुरा लेना। तो स्कैल्पिंग भी ऐसा ही है। एक मिनट, दो मिनट, तीन मिनट या पाँच मिनट के अंदर में एक छोटा मोटा प्रॉफिट आपने लिया और निकल लिए ट्रेड से। और ऐसे ही छोटे छोटे प्रॉफिट दिन में आपने 8 से 10 बार लिए और दिन भर का एक अच्छा खासा बड़ा मुनाफा आपने कमा लिया। इसे कहते हैं स्कैल्पिंग। दोस्तों, इस स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में हम सिर्फ एक ही इंडिकेटर यूज़ करेंगे जो हमें सिग्नल देगा बाय और सेल का। लेकिन आपको ये चीज़ बता दें कि दिन भर आपको स्क्रीन के सामने ही बैठना होगा इस स्ट्रेटजी के लिए, क्योंकि कई ऐसे स्कैल्पर हैं जो स्कैल्पिंग कर करके आज करोड़पति बन चुके हैं। जी हाँ, स्कैल्पिंग ऐसे देखने में हमें हल्का लगता है कि छोटे प्रॉफिट लेकर निकल जाना और करोड़पति, लेकिन एक्चुअल में वही है, जो मेहनत करता है वही कमाएगा। बोरिंग भले ही लगे, लेकिन स्क्रीन के सामने वो तब तक बैठते हैं जब तक उन्हें कोई सिग्नल मिल ना जाए, और दिन भर में ऐसे सिग्नलों का फ़ायदा उठाकर आज वो बहुत बड़े आदमी बन चुके हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग भी थोड़ी मेहनत करेंगे और इस स्ट्रेटजी से काफ़ी कुछ फ़ायदा उठाएंगे। तो अब देखते हैं किस तरह से ये स्ट्रेटजी काम करेगी। तो बॉलिंगर बैंड लगाने के बाद कुछ इस तरह से आपको दृश्य नज़र आएगा, जिसमें दोनों साइड बैंड बने हुए हैं आपके कैंडल स्टिक के। जब भी इस बैंड को तोड़कर आपका कैंडल बाहर निकल जाता है तो हमको सेल सिग्नल मिल जाता है ऊपर की ओर। लेकिन कंफर्मेशन हमें तब मिलता है जब दूसरा कैंडल रेड बने और वो नीचे की ओर जाए। फिर से बताते हैं कि बॉलिंगर बैंड को तोड़ते हुए जो ऊपर निकल जाए तो हमें सेल सिग्नल मिलता है, लेकिन कंफर्मेशन तब होता है जब कोई मोरो बोजो रेड कैंडल हमें मिलती है नीचे साइड जाती हुई, तो हम यहाँ पे सेल कर लेंगे। अब इस कंडीशन में स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे कि आपने जिस कैंडल पे ट्रेड लिया है उसकी पहली कैंडल के हाई पर हम लगा लेंगे SL। अब फिर मार्केट आया नीचे तो आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो इसमें रखना है 1:2 का। देखिए, यहाँ पे आपने सेल किया और ये है आपका स्टॉप लॉस 1:2, आपको ये दूसरी कैंडल पर ही मिल गया। हो सकता है आपको 2, 3, 4, 5 कैंडल तक जाए, लेकिन ये आपका या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या तो आपको टारगेट मिल जाएगा 3, 4, 5 मिनट के अंदर ही। अभी देखिए, यहाँ पे आपको इसका टारगेट मिल जाएगा। अब फिर मार्केट नीचे गया, नीचे जाके फिर इसने ऊपर से इस बैंड को तोड़ दिया और फिर हमें एक रेड कलर की मोरो बोजो कैंडल मिल गई। हम यहाँ पे फिर से सेल कर लेंगे और ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस उसकी पहली वाली कैंडल का हाई। उसके बाद देखें कि ये हमको टारगेट लगभग यहाँ पे मिल जाएगा। अब ये मार्केट फिर से नीचे गया और नीचे के बैंड को तोड़ दिया। नीचे के बैंड को तोड़ कर नीचे आ गए और उसके बाद हमें कंफर्मेशन सिग्नल तब मिलती है बाय की कि तोड़ने के बाद में ग्रीन कैंडल मोरो बोजो मिल जाए। मोरो बोजो कैंडल क्या होती है दोस्तों, कि जिसमें बॉडी बड़ी हो और उसका जो शैडो है वो छोटा हो, उसे मोरो बोजो कैंडल कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये हमें बाय सिग्नल दे दिया और स्टॉप लॉस हो जाएगा इस कैंडल का लो, उसके पहले वाली कैंडल का लो। हमें ये चीज़ यहाँ पे लगभग यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा। फिर से ये मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर से नीचे वाले बैंड को फिर से तोड़ दिया और उसके बाद में हमें फिर से एक ग्रीन कलर की मोरो बोजो कैंडल मिली, तो हम यहाँ पे बाय कर लेंगे और ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट हमें यहाँ तक मिल गया।
तो ये है दोस्तों स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी, जिसमें मात्र एक इंडिकेटर लगाना है आपको बोलिंगर बैंड्स, और ऐसी कंडीशन में ये आपको दिन में 8 से 10 सिग्नल देंगे। हो सकता है कि उसमें से एक दो आपकी स्टॉप लॉस हिट हो जाए, लेकिन एंड ऑफ द डे आप अच्छे खासे प्रॉफिट में रहेंगे। दोस्तों अब इस स्ट्रेटजी को हम ऑन स्क्रीन कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। हमने निफ्टी 50 का एक स्टॉक ले लिया है अडानी पोर्ट, और हमने बॉलिंगर बैंड लगा दिया है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, और स्टार्टिंग में ही हमें बहुत अच्छा नीचे की ओर एक बैंड टूटता हुआ नज़र आ रहा है और एक ग्रीन मोरोबोजो दिख रही है। तो हम उस मोरोबोजो पर बाई करते हैं और नीचे के साइड पर लोएस्ट साइड पर हम ऐसे लगाते हैं, तो दूसरे तीसरे कैंडल पर ही हमें टारगेट 1:2 का मिल जाता है। इसी तरह एक बार फिर से एक बैंड नीचे की ओर टूटता नज़र आ रहा है और एक ग्रीन मोरोबोजो अंदर की ओर जाती नज़र आ रही है, हम वहां पे बाय करेंगे और एसएल लगा लेंगे 1:2 का, हमें टारगेट मिल जाता है बस 3-4 कैंडल के अंदर में। तो इसी तरह से दोस्तों आप लोगों को 10-1 ट्रेड दिन में आराम से मिल जाएंगे। चलिए अब चेक कर लेते हैं सेल का सिग्नल, एक सेल का सिग्नल चेक कर लेते हैं कि ऊपर की साइड पर बैंड कहाँ पर टूट रहा है। हाँ ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा ऊपर की साइड में बैंड टूट रहा है और ये एक रेड मोरोबोजो नज़र आ रही है, तो हम वहाँ पे सेल कर देंगे जो अंदर की ओर आ रही है मोरोबोजो, और हाई पे उसका एसएल लगा देंगे, बस 3-4 कैंडल में हमें 1:2 का टारगेट मिल जाएगा आराम से। इसी तरह से आपको ट्रेड लेना है दोस्तों। दोस्तों इस स्ट्रेटजी में कुछ बातें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी हमें बैंड टूटता हुआ मिले ऊपर साइड या नीचे साइड में, लेकिन हम ट्रेड तभी लेंगे जब कंफर्मेशन हमें किसी मोरोबोजो कैंडल से मिलनी चाहिए। बॉलिंगर बैंड इंडिकेटर लगा के मात्र 1 मिनट का हमें टाइम फ्रेम लगाना है। दोस्तों हमारी स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और कैसी लगी ये कमेंट्स कर जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें प्रोत्साहित करते हैं इस तरह की और भी वीडियो बनाने के लिए। साथ ही हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले टाइम पर आपको इस तरह की और वीडियोस आपके नोटिफिकेशन पे मिलती रहे। अगली वीडियो लेकर हम फिर हाजिर हो जाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।